नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है, और या फिर ये कह सकते हैं कि एक राहत वाली खबर उनके लिए हम लेकर आए हैं। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से दिल्ली में कई सारे प्रतिबंध लगे हुए थे, लेकिन जैसे जैसे कोविड के केसेस में कमी आई, कोरोना का जो संक्रमण दर है उसमें कटौती देखी गई, उसके बाद डीडीएमए की जब जब बैठक हुई, कुछ कुछ प्रतिबंध जो हैं वो हटाए गए। लेकिन आज जो डीडीएमए की बैठक हुई है उसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं, और ज़्यादातर जो प्रतिबंध अभी तक लगे हुए थे, जो पाबंदियां अब तक लगी हुई थी, उन्हें हटा दिया गया है। क्या क्या पाबंदियों को हटाया गया है, क्या फैसला आया है डीडीएमए की बैठक का, वो आपको बताते हैं। तो रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लगने वाला नाइट कर्फ्यू हटाया गया है। अब रात को भी दुकानें और रेस्टोरेंट खुल सकते हैं। मास्क ना लगाने पर कटने वाला चालान जो है उसकी रकम घटाकर अब 500 रुपए की गई है। बस और मेट्रो में अब बिना किसी रोक टोक के आप खड़े होकर यात्रा कर सकते हैं। 1 अप्रैल से स्कूल में अब ऑनलाइन क्लास नहीं होगी, सिर्फ ऑफलाइन मोड में ही पढ़ाई कराई जाएगी स्कूल के अंदर। तो दिल्ली में अब नाइट कर्फ्यू नहीं रहेगा। इसके अलावा मेट्रो और बस में जिन लोगों को परेशानी होती थी सफर करने के दौरान, क्योंकि स्टैंडिंग अलाउड नहीं थी, अब वो जो पाबंदी थी वो भी हटा दी गई है। साथ ही साथ स्कूल से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आई कि अब ऑनलाइन जो क्लासेस चलती थी, जो ऑप्शन आपके पास मौजूद था, वो अब 1 अप्रैल से नहीं रहेगा। 1 अप्रैल से सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन मोड में ही क्लासेस जो है वो होंगी। इसके बारे में जानकारी दी है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने ट्वीट करते हुए ये तमाम जानकारी साझा की। क्या कुछ उन्होंने ट्वीट में कहा है वो आपको बताते हैं। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, डीडीएमए सभी प्रतिबंधों को वापस लेता है क्योंकि स्थिति में सुधार हुआ है और लोगों को नौकरियों के नुकसान के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 1 अप्रैल से स्कूल पूरी तरह से ऑफलाइन काम करेंगे। मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना होगा। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का आपको पालन करना होगा। सरकार कड़ी निगरानी रखेगी। तो दिल्ली में अब जितनी भी पाबंदियां लगी हुई थी, जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, उनको रिलैक्स किया गया है, क्योंकि कई सारी जो कंप्लेंट्स थी वो लगातार दिल्ली सरकार के पास जा रही थी, LG के पास जा रही थी। खासकर जो व्यापारी वर्ग है वो काफ़ी परेशान था, क्योंकि उनके दुकानों के ऊपर, उनके व्यापार पर एक समय सीमा जो थी वो तय थी, उसको अब हटाया गया है क्योंकि अब नाइट कर्फ्यू पूरी तरह से हट गया है। इसके अलावा काफ़ी लोग इसलिए भी परेशान थे क्योंकि मेट्रो में उन्हें खड़े होकर यात्रा करना अलाउड नहीं था, और वहां पर भी चालान कटते थे, तो उसे भी रिलैक्स किया गया है। और साथ ही साथ जो मास्क को लेकर 2000 रुपये का चालान कटता था, उसमें भी अब जो है वो छूट दी गई है। अब सिर्फ 500 रुपये का चालान कटेगा। लेकिन हम आपसे यही अपील करेंगे कि आप जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क लगा के रखें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ही पालन करें। दिल्ली NCR की खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।